तो भाई आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। देखिए, इसमें जो हमारा पहला नियम है वो है कि अगर हमारे पास कोई दो सेम संख्या हो, यानी कि एक जैसी संख्या हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ए है दोनों जगह, लेकिन जो उनकी घात हो वो अलग हो, जैसे इस ए की घात है एम और इस ए की घात है एन, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हो, तो जो इसका आंसर आता है वो क्या आ जाता है हमारा, हम लिखेंगे वही वाली संख्या जो हमारी संख्या होगी और इन दोनों घातों को जोड़कर लिख देंगे ऊपर, यानी कि m प्लस में n, ये हमारा आंसर हो जाता है इस तरह की कंडीशन में। दूसरा नियम क्या है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और उसकी कुछ घात है और उस पूरे की घात और कुछ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी संख्या है उसको लिखेंगे और इन दोनों घातों को गुणा करके लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे m और गुणा में n, इस तरीके से लिख देते हैं। तीसरा नियम क्या है कि हमारे पास एक संख्या है जिसकी घात है m और बट्टे में हमारे पास दूसरी संख्या है, मतलब वही संख्या और इसकी घात है n, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा था तो ये दोनों घातें जुड़ गई थी, यहाँ पर भाग है तो दोनों घातें आपस में माइनस हो जाएंगी, किस तरीके से कि हम यहाँ पर लिखेंगे a और ऊपर क्या लिख देंगे m और माइनस में n, इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। चौथा नियम क्या है कि अगर हमारे पास में एक संख्या है और उसकी घात है m और हमारे पास में नीचे बट्टे में दूसरी संख्या है और उसकी भी घात m हो, तो हम इसे पूरे की घात m के रूप में लिख देते हैं, किस तरीके से कि हम लिखेंगे a अपॉन में b, ये वाली चीज, और इस पूरे की घात क्या कर देंगे हम m, क्योंकि जो m घात थी दोनों पर थी, हमने दोनों की जगह इसके पूरे पे लिख दी m घात, इस तरीके से हम इसे बदल सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा कि हमारे पास कोई संख्या है और इसकी घात है जीरो, तो देखिए जब किसी संख्या की घात जीरो होती है तो ऐसी कंडीशन में उसका मान क्या आता है, उसका मान आता है एक। छठा पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से दे रखी हो कि एक बटे में कोई संख्या और इसकी घात है एन, तो इसको हम किस तरीके से बदल सकते हैं कि जो हमारी ऊपर वाली संख्या है उसको लिखते हैं सबसे पहले और इसकी गुणा हो जाती है इस संख्या से, लेकिन इसकी जो घात होती है यहाँ पर पॉजिटिव है, हम यहाँ पर ऋणात्मक घात लेते हैं यानी कि नेगेटिव, तो इसको हम दे देते हैं माइनस एन। ठीक, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें यानी कि इस संख्या की हम मल्टीप्लाई एक से करें तो हमारी यही संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर सीधा आंसर ये हो जाता है ए की घात माइनस एन, यानी कि अगर एक बटे में ए की घात एन लिखा हो या फिर ए की घात माइनस एन लिखी हो, दोनों संख्या आपस में बराबर हैं। सातवां पॉइंट क्या है हमारा कि यहाँ पर देखिए ए की घात एम है, यानी कि एक संख्या है जिसकी घात एम है और गुणा हो रही है दूसरी संख्या जिसकी भी घात m है, तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर की ए बी, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, और उस पूरे की घात हम m लिख देते हैं जो कि सेम घात होती है, यानी कि एक जैसी घात होती है। आठवां पॉइंट देखिए क्या है कि इसमें क्या है ए की घात एक बट्टे एन, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारी ये बट्टे में नीचे जो है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और एक रूट का निशान लगाएंगे, अब इसको कहेंगे nth रूट, और जो हमारी संख्या है उसको इसके अंदर लिखेंगे, तो हमारी संख्या क्या है a, ये हो जाएगा, और ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये वाला आपका स्टार पॉइंट है ये आपका, यानी कि अगर कहीं a की घात एक बट्टे n लिखा हो या उसका nth रूट लिखा हो a का, दोनों ही संख्या समान हैं। नवा पॉइंट देखिए क्या है, ये भी आपका एक तरीके से स्टार पॉइंट है, इसमें आप आठवें वाले पॉइंट की ही सहायता लेंगे। देखिए अब ये है a, इसकी घात है m अपॉन n, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की घात क्या है एक बट्टे n और मल्टीप्लाई में क्या है m ऊपर, क्योंकि अगर आप ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो m और नीचे इसके एक मान लिया जाएगा, तो n की मल्टीप्लाई एक से होगी तो क्या आ जाएगा m की घात n, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये इतना पार्ट है ये हमने आठवें पॉइंट में देखा है कि इसका मान क्या आ जाएगा nth रूट में a, तो देखिए हम इसको बराबर करके क्या लिख सकते हैं कि nth रूट में a,
लेकिन एक चीज और है कि इसमें ए के साथ यहाँ पर देखिए एक सी घात तो उसको हम दर्शाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी घात क्या है एम। अगर इसको हम हटा दें तो एक ही घात एम बचेगी, तो यहाँ पर हम एक ही घात क्या लिख देंगे एम। तो ये आपके 9 पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताया, 9 के 9 पॉइंट ही बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये 8वां और 9वां पॉइंट जो है ये आपके स्टार पॉइंट हैं, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।